सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस एनिमे हिंदी। वैसे आज भी ब्लैक बियर्ड पे वीडियो नहीं आया क्योंकि यार सांजी पे वीडियो बनाना था और मेरे हिसाब से मुझे लगा कि पहले सांजी पे बनाना चाहिए क्योंकि जो सांजी का जो अभी टाइम चल रहा है सांजी पे वीडियो बनाने से ज्यादा व्यूज आएगा। हाँ मैं व्यूज का थोड़ा लालची हो जाता हूँ क्योंकि तुम लोग समझदार हो यार, व्यूज आएंगे तभी तो न्यू सब्सक्राइबर्स आएंगे और नया सब्सक्राइबर आएगा तब ना यार अपना चैनल जल्दी से जल्दी 2K को टच करेगा। खैर मेरे भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग अच्छे से जानते हो कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, रोज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिस वजह से तुमको जो है कल ही ब्लैक बियर्ड वाला वीडियो देखने को मिल जाएगा। खैर मेरे भाई आज मैं सांजी के पावर को लेकर के बात करूंगा कि आखिर सांजी अपना कितना स्ट्रांग हो सकता है वानो आर्क के एंड में, प्लस उसको क्या क्या न्यू पावर मिल सकती है और साथ ही साथ वो नया चीज क्या क्या हासिल कर सकता है। फिलहाल के टाइम पे जो फिलहाल का चैप्टर चल रहा है 1031, उसको रीड करने के बाद फील तो आता है कि भाई सांजी जोरो के लेवल का हो गया, क्योंकि जिस तरह से हमें ड्यूरेबिलिटी दिखाई जाती है भाई वो क्वीन के अटैक को तोड़ देता है विदाउट एडवांस आर्मामेंट हाकी या नॉर्मल आर्मामेंट हाकी यूज किए, जो कि एक जर्मा के एक्सपेरिमेंट का पावर है। वन पीस का ऑफिशियल मांगा चैप्टर 1029 में मैं जब आज पढ़ रहा था सोनन जंप ऐप में, तो क्वीन एक्चुअली में याद करता कि जज ने एक टाइम पे कहा था कि उसने दिया है एक्सोस्केलेटन प्लस कोल्ड हार्टेड बंदा प्लस मॉन्स्टर ह्यूमन स्ट्रेंथ और इस टाइप की चीजें जो उसने एक एक्सपेरिमेंट में दी थी, जो कि उसमें कोई शक नहीं है कि वो कोई और नहीं अपना सांजी ही होगा। ऊपर से क्वीन को यह बात पता है, क्या क्वीन उस वक्त था जज के साथ, ये बात सोचने वाली है। जिस तरह से अपना सांजी करंट मांगा चैप्टर में अब फाइट करने के मूड पे आ गया और उसने यूज किया है हेल मेमोरी। मैं यहाँ पर यार मैं बिहारी ओटाकू का एक वीडियो देख रहा था और उसने जिस तरह से बताया ना, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। उसने एक थ्योरी बोला है जिसमें उसने बोला है कि फ्यूचर में अपना सांजी जो है ब्लैक फ्लेम्स को भी यूज करता हुआ दिखेगा, जो कि हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यार उसने रीजन भी बताया और बहुत तगड़ा रीजन बताया था। खैर अगर तुमने वो वाला वीडियो नहीं देखा, तुमको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसके चैनल का, तुम लोग जाकर वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। प्लस मैं ऊपर से बात करूं कि सांजी ने जब अपना सूट तबाह कर दिया करंट मांगा चैप्टर में, तो यार बहुत लोग एक्साइटेड हो गए। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या सांजी के पावर पे इस पे फर्क पड़ेगा। मुझे जहां तक लगता है वो सूट जो उसके पावर को कंट्रोल करके रखता था, बट अब जब उसने उस सूट को जो तबाह कर दिया पूरी तरह से, तो यहाँ पर भाई मजा आ जाएगा क्योंकि अब सांजी फुल रेज में आ जाएगा और क्वीन की बजा डालेगा। नेक्स्ट चीज, एक सवाल वहां पर उठता है कि सांजी का जो आईब्रो था वहां पर करंट चैप्टर में चेंज हो गया था जब उसने हेल मेमोरीज यूज की थी, तो यहाँ पर देखो इससे उसका कोई नया पावर अवेकनिंग हुआ है, वो चीज नहीं पता चलता है एक्चुअल में। हाँ पता चलता है, पर एक्चुअल रीजन ये है कि यहाँ पर एक चीज समझ में आता है कि अब सांजी पूरी तरह से जज के एक्सपेरिमेंट्स का जो नतीजा है वो चीज यूज करने वाला है, अपना सांजी मॉन्स्टर बन चुका है, कोल्ड हार्टेड भी हो चुका है ऐसा तो हमें लगता है, लेकिन अपना सांजी तो सांजी है और सांजी का यही स्टाइल हमें ज्यादा पसंद है। बहुत लोगों को सांजी सख्त लौंडा टाइप ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि यार वो बंदा हैंडसम है, पूरे स्ट्रॉ हैट में सबसे हैंडसम मुझे वही कैरेक्टर लगता है, लेकिन एक नंबर का लौंडियाबाज है। बहुत कोई चाहते कि अपना सांजी सख्त लौंडा बना फिर, पर मेरे हिसाब से सांजी जैसा है वैसा ही मुझे सही लगता है और फ्यूचर में ओडा ऐसे ही दिखाए तो मुझे अच्छा लगेगा, उसको सख्त लौंडा बनाने की जरूरत नहीं है। प्लस मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, सांजी का भले ही आईब्रो चेंज हुआ है लेकिन वो अभी भी स्ट्रॉ हैट का मेंबर रहेगा इस आर्क के बाद, क्योंकि यार इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर वो मर जाता है तो, जो कि ऑब्वियस सी बात है होने नहीं वाला। खैर मेरे भाई यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, सांजी का जो आईब्रो है हो सकता है, मुझे जहां तक लगता है वो आईब्रो अभी के टाइम पे चेंज हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी हो सकता है कि इस आर्क में जब वो क्वीन को हरा देगा और उसके बाद दोबारा से किसी तरह से जब वो नॉर्मल हो जाएगा तो उसका आईब्रो दोबारा से पहले की तरह चेंज हो जाएगा और फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता है कि सांजी अपने इस मॉन्स्टर वाले फॉर्म को डबल पर्सनैलिटी की तरह यूज कर सके, ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है। और हो सकता है मेरे भाई फ्यूचर में जब सांजी दोबारा किसी और एनिमी से फाइट करे तो उसका आईब्रो जो है फिर से अभी की तरह चेंज हो जाए, तो इसमें हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहां पर हमें जो शायद ओडा ये दिखाना चाहेंगे कि अब जो सांजी अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म को यूज कर रहा है और अब जो सांजी अपना नॉर्मल वाला है। खैर अब मैं बात करना चाहूंगा सांजी के अपकमिंग फ्यूचर पावर्स की, तो मेरे हिसाब से सांजी का पावर यहीं पे खत्म नहीं होता और मुझे जहां तक लगता है अभी उसको और ज्यादा स्ट्रांग होना बाकी है, भले वो क्वीन को हरा देगा बट अपना जो लूफी है उसको एक योंको नहीं बनना है भाई, उसको पायरेट किंग बनना है। प्लस अगर हम देखें तो क्वीन एक योंको का कमांडर है बट
अपना जो रॉजर का जो कमांडर था, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, रॉजर का राइट हैंड मैन था रैली, और लूफी का जो राइट हैंड मैन है वो है जोरो, और जोरो को फ्यूचर में हम लोग वहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपना जोरो जो है वो बनना चाहता है वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन, वो हॉकाई को सरपास करेगा, तो तुम उससे अंदाजा लगा लो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। वही अगर मैं बात करूं सांजी की, तो सांजी जो है जोरो का राइवल है, तो सांजी के पावर भी उससे थोड़ा सा हो सकता है नीचे हो, या फिर ओडा हमें एट द एंड ऑफ सीरीज हमें एक कंफ्यूजन करके छोड़ दे कि आखिर इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, और हो सकता है कि अपना जो सांजी है वो भी बहुत ज्यादा फ्यूचर में पावरफुल हो जाए, जैसे कि रॉजर का लेफ्ट हैंड मैन था स्कॉपर गबान, भाई वो 3 दिन 3 रात तक ओडेन से लगातार फाइट किया था, तो तुम उससे अंदाजा लगा सकते हो कि स्कॉपर गबान कितना ज्यादा पावरफुल था। हो सकता है मेरे भाई फ्यूचर में हमें सांजी भी बहुत ज्यादा पावरफुल दिखे, पर फिलहाल के लिए वो एक योंको के कमांडर जितना तो स्ट्रांग बनेगा इस आर्क के बाद, क्योंकि वो क्वीन को हरा चुका होगा। हो सकता है ये आगे जाकर के सच हो ना हो, लेकिन वो जो फ्लेम्स वाला कांड है ना, मुझे लगता है उसको फुल पावर में कंट्रोल सीरीज के लगभग एंड ओवर में होगा। आई होप मैंने जितने भी सांजी को लेकर के डाउट थे वो सब चीजें जो क्लियर कर दी। अगर तुम्हारा कोई सवाल रह गया तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मेरे भाई अगर वीडियो तुमको पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी ऑन कर देना, और हाँ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो यार, वहाँ पर 122 फॉलोअर हो चुके हैं, और भी बढ़ाओ हमारे 150 पहुंचाओ, और जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को 2K फैमिली करवाओ, क्योंकि यार Q&A में सवाल भी तो तुम लोग को पूछना है और मुझे जवाब भी तो देना है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।